वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बजट को लेकर बयान सामने आया है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनका बजट बेहद निराशाजनक है। अब इनके बजट को बताने केंद्रीय मंत्रियों को आना पड़ेगा, यह तो हद ही है। मनरेगा जैसी योजना को लेकर बजट में कुछ भी नहीं है। वही परिसीमन पर हाईकोर्ट के रोक पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिसीमन हर 10 साल बाद होता है, 5 साल भी नहीं। हम तो पहले भी कहते थे कि ये राजनीति कर रहे परिसीमन को लेकर, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने परिसीमन किया गया था, इसीलिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, हम तो पहले ही कहते थे यह सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है, हर बात को पूछने दिल्ली जाते हैं, साथ ही उनके साथ दोनों उनके सहयोगी भी जाते हैं। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, इनका बजट जो है निराशाजनक बजट है, और बजट की जानकारी तो सारे लोगों को ऐसे ही मिल जाती है, समाचारों से मिल जाती है, आप लोग पत्रकार लोग भी देते हैं, तो सारे लोग समझते हैं कि इनका बजट किस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी बजट बताने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को आना पड़ेगा, ये तो और बहुत निराशाजनक बात है। और इनके बजट में वास्तव में किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं। अब देखिए, मनरेगा जैसी योजना केंद्र के बजट में, मनरेगा का कोई प्रावधान ही नहीं दिख रहा है। जो हर गांव में, पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में कहीं रोजगार का अवसर मिलता है तो मनरेगा से मिलता है, लेकिन मनरेगा तक का बजट का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। ये गरीबों के लिए सबसे निराशाजनक इस बजट में है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि परसीमन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डों में उनके हिसाब से परिसीमन किया जा रहा था, जो निहायत ही गलत था, क्योंकि परिसीमन जो है हर 5 साल में नहीं होते, 10 साल में होते हैं। जिस तरह जनगणना 10 साल में होता है, वैसी परिसीमन भी जनगणना के आधार पर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को राजनीति से जोड़कर देख रही थी और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन कर रही थी, जिसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। हम लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पर चल रही है, हर बात को पूछने के लिए दिल्ली जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी के साथ उनके दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री भी जाते हैं। किसी भी दिन आपने नहीं देखा होगा कि वो मुख्यमंत्री जी अकेले दिल्ली गए हों। तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है जो दिल्ली से चल रही है, यहाँ के लोगों के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चल रही है।